हेलो देवक, मैं रमन कुमार इधर स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का जो पार्ट 3 था, इसको हम लोग कर रहे थे। और इससे पहले हम लोग एक क्लास कर चुके हैं, आज है क्लास नंबर 2। और आज की चर्चा का विषय रहेगा नॉलेज आउट ऑफ पोस्टल बिजनेस। और दूसरा जो क्लॉज है 88, वो है सप्लाई ऑफ फंड्स टू बी कैरिड। ये दो आज हम लोग क्लॉज करेंगे। सबसे पहले जानेंगे क्लॉज नंबर 87, जिसका नाम है नॉलेज ऑफ पोस्टल बिजनेस। आज की जो क्लास है वो पीएएसए और पोस्टल मेल गार्ड के लिए है, एमटीएस के सिलेबस में ये जगह नहीं है। सबसे पहले जानेंगे नॉलेज ऑफ पोस्टल बिजनेस में क्या है। तो पोस्टमैन को किन सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, किन सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। पोस्ट ऑफिस ये उम्मीद करता है कि जो उनका पोस्टमैन है, उनको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो इनलैंड पोस्टेज रेट्स है, इनलैंड पोस्टेज रेट्स क्या होती है, इसको आपको सुनिए पहले। इनलैंड पोस्टेज रेट्स, डाक हम लोग दो तरीके से बुक करते हैं। पहली करते हैं हम लोग डोमेस्टिक, दूसरी करते हैं इंटरनेशनल। डोमेस्टिक का मतलब है कि इंडिया के किसी भी कोने से डाक की बुकिंग हो और इंडिया के किसी अन्य कोने में उसका वितरण हो। इंटरनेशनल का मतलब है कि इंडिया में अगर बुकिंग है तो बाहर किसी देश के लिए वो डाउन देनी चाहिए। बाहर किसी देश से आ रही है तो उसका डिलीवर इंडिया में होना चाहिए। तो ऐसी डाकों को अपन लोग इंटरनेशनल डाक कहते हैं। इंडिया के अंदर बुकिंग हो और इंडिया के किसी अन्य कोने में उसका डिलीवर होना हो, तो इसको कहते हैं हम लोग डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक की जो रेट्स हैं वो थोड़ी सी कम होती हैं, और इंटरनेशनल जो हम लोग मेल बुक करते हैं उसकी इनके ऊपर जो चार्जेस है वो थोड़े से ज्यादा होते हैं। तो जो पोस्टेज की जो रेट्स है, एक तो हो गया आपकी इनलैंड, इनलैंड का मतलब है डोमेस्टिक से, और दूसरी हो गया आपकी इंटरनेशनल। तो पोस्टमैन से ये उम्मीद की जाती है कि जो इनलैंड पोस्टेज की जो रेट्स है, कि रजिस्टर लेटर बुक करवाना है तो कितना चार्ज लगेगा, और पार्सल करवाना है तो कम से कम कितना चार्जेस लगेगा, स्पीड पोस्ट पर चार्जेस क्या है, आईएलसी कितने का होता है, पोस्ट कार्ड कितने का होता है, ये सारी चीजें उनको पता होना चाहिए। तो साथ के साथ जो ईएमओ है, ईएमओ का मतलब है, इसको आप लोग लिख लें, इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपसे पूछी गई है एग्जाम में। ईएमओ की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, शॉर्ट उसका नाम है ईएमओ। पहले मनी ऑर्डर चलते थे, अभी ईएमओ चलते हैं। तो पोस्टमैन से ये भी उम्मीद की जाती है कि उनको ईएमओ पर जो कमीशन है वो कितना लगता है, वो भी उनको नॉलेज होनी चाहिए। और साथ के साथ में अगर किसी व्यक्ति को अपनी जो आर्टिकल्स है, स्पीड पोस्ट का आर्टिकल हो, चाहे रजिस्टर का हो या पार्सल का हो, अगर उसे इंश्योर्ड करवाना है तो कितने अमाउंट पर कितने चार्जेस लगते हैं, वो जो इंश्योर्ड फीस है, और साथ के साथ में जो रजिस्ट्रेशन फीस है, पंजीकरण जो शुल्क है, ये सभी उनको पता होना चाहिए। एडी का चार्ज कितना लगता है वो पता होना चाहिए। ये जो सारी जो जनरल जो नॉलेज है, जो बेसिक जो इंफॉर्मेशन है, वो पोस्टमैन को लेनी चाहिए, पोस्ट ऑफिस ऐसे इंक्लूड करता है। नेक्स्ट, इसके अलावा पोस्ट ऑफिस और क्या चाहता है पोस्टमैन से, तो वो ये चाहते हैं कि जो बीट में जब पोस्टमैन डाक देने जाते हैं, डाक वितरण के लिए, जब पोस्टमैन ऑफिस से निकल करके अपने बीट, बीट का मतलब है कि जो एरिया उसको आवंटित किया गया है, बीट का मतलब क्या है कि जो एरिया उनको आवंटित किया गया है कि इस एरिया की डाक आपको डिलीवर करनी है, उसको कहते हैं बीट। क्या कहते हैं उसको? बीट। तो पोस्टमैन की जो बीट है, जब पोस्टमैन ऑफिस से बाहर निकलता है तो पब्लिक से मिलता है, तो पब्लिक से जब वो मिलता है तो पब्लिक इंस्ट्रक्शंस उनको होने चाहिए। पब्लिक इंट्रेक्शन का मतलब है कि कस्टमर से उनको बात करने की थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, थोड़ा सा जो लहजा है वो होना चाहिए, वार्तालाप करने की उनमें स्किल होनी चाहिए। और साथ के साथ में अगर उनको किसी भी प्रकार के कोई फॉर्म चाहिए, जैसे अगर किसी को अपना आर्टिकल बीपीपी का मतलब है वैल्यू पेबल पार्सल, बीपीपी का मतलब है वैल्यू पेबल पार्सल, वैल्यू पेबल पार्सल, और बीपीएल का मतलब है वैल्यू पेबल लेटर। अगर किसी को आर्टिकल अपना बीपीपी के थ्रू भेजना है या बीपीएल के थ्रू भेजना है, तो जो बीपी के जो फॉर्म्स हैं या जो अन्य जो फॉर्म्स, जैसे
सीपीपी के फॉर्म है, मनी ऑर्डर के जो फॉर्म है, ईएमओ के जो फॉर्म है, वो सारे उनके पास में होने चाहिए। और साथ के साथ में उनको ईएमओ की जानकारी होनी चाहिए। ईएमओ की कैसे जानकारी होनी चाहिए, ईएमओ पर कितना कमीशन लगता है, ये जानकारी होनी चाहिए। ईएमओ अगर किसी को भेजना है तो कैसे भेजेंगे वो पता होना चाहिए। ईएमओ का जो फॉर्म है वो भी पोस्टमैन के पास में वहां चाहिए। और साथ के साथ में जो पोस्ट ऑफिस की सेविंग बैंक के जो अकाउंट्स है, सेविंग बैंक के जो अकाउंट्स हैं या जो अन्य स्कीम्स हैं, नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम्स जैसे सुकन्या समृद्धि योजना है, आरडी अकाउंट्स हैं, केवीपी अकाउंट्स हैं, पीपीएफ अकाउंट्स हैं, इन सबकी भी नॉलेज इनको रखनी चाहिए। और साथ के साथ में पोस्टमैन के पास में एक पॉकेट गाइड होनी चाहिए। पॉकेट गाइड होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, एक पॉकेट गाइड कॉपी होनी चाहिए। और ये पॉकेट गाइड है वो उनकी रीजनल लैंग्वेज में होनी चाहिए। रीजनल लैंग्वेज से मतलब है कि आपकी जो मातृभाषा है उसमें होनी चाहिए। और जब भी पोस्टमैन अपना चार्ज किसी दूसरे व्यक्ति को दे, पोस्टमैन लीव लेके जाए या जॉब छोड़ के जाए या प्रमोट होके जाए, तो जब भी वो किसी अन्य व्यक्ति को पोस्टमैन का चार्ज लगे, तब ये पॉकेट गाइड उनको दूसरे व्यक्ति को देनी होती है। तो ये जो पॉकेट गाइड है वो पोस्टमैन को संभाल के भी रखनी होती है। साथ के साथ पोस्टमैन को ये भी उससे उम्मीद की जाती है कि जब भी वो कस्टमर्स से मिलते हैं, पब्लिक डील जब भी वो लोग करते हैं, तो उनको मोबाइल संबंधी जो सर्विसेज है, जैसे मोबाइल संबंधी सर्विसेज का मतलब है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जो अकाउंट्स हैं वो ओपन करने आने चाहिए। उसके साथ साथ उनसे जो विड्रॉल है वो करना आना चाहिए, और जो डिपॉजिट्स है इस स्कीम में वो भी आना चाहिए। और AEPS, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, AEPS का मतलब है कि किसी भी बैंक अकाउंट से, किसी भी बैंक के अकाउंट से आधार नंबर की मदद लेते हुए बायोमेट्रिक तरीके से जो पैसा निकालते हैं वो भी उनको आना चाहिए। ये सारे काम भी उनको करने होते हैं। और साथ के साथ में PNA की रकम भी आप लोगों से पूछी गई है। PNA का मतलब है पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन। पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन को भी चलाना पोस्टमैन को आना चाहिए। पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन में क्या क्या होता है, एक तो डाक का वितरण वो लोग करते हैं, डाक वितरण के अलावा लेटर बॉक्स को क्लियर करते हैं। तो ये जो सारी स्कीम्स है पीएमए में जो काम है वो भी पोस्टमैन को आना चाहिए। तो पोस्टमैन को पोस्टल बिजनेस संबंधी जो नॉलेज है वो जरूरी होनी चाहिए। अलग अलग तरीके की जो सर्विसेज पोस्ट ऑफिस देता है उसको डिलीवर करने में, और जो डाक का जो काम है वो तो उनको बेसिकली करना ही है, उनके अलावा भी बहुत सारे काम पोस्टमैन को आने चाहिए। बहुत सारे जो फॉर्म है वो भी उनको अपने साथ में रखने होते हैं। नेक्स्ट, कौन कौन से फॉर्म रखने होते हैं उसके बारे में इस क्लॉज में दिया हुआ है, सप्लाई ऑफ फॉर्म्स टू कैरियर में, ये है कि पोस्टमैन को छोटा मोटा स्टॉक फॉर्म्स का, कौन से फॉर्म्स का, डीपी के फॉर्म है, ईएमओ के जो फॉर्म्स है, और डेली लाइफ में यूज होने वाले जैसे विड्रॉल फॉर्म्स है, डिपॉजिट फॉर्म्स है, अकाउंट ओपनिंग के जो फॉर्म्स है, एडिंग है, ये जो सारी चीजें वो लगभग उनके स्टॉक में होनी चाहिए, जिससे कि कस्टमर्स को वो लोग इजिली दे पाए। तो पोस्टमैन से बहुत सारी उम्मीदें पोस्ट ऑफिस को रहती है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा लोगों से मिलते हैं, पब्लिक डील सबसे ज्यादा वही लोग करते हैं, इसीलिए ये सारी जो नॉलेज है उनको होनी चाहिए। और इनको जो फॉर्म्स का जो एक स्टॉक है वो भी अपने पास में रखना चाहिए। और इसके अलावा हम लोग 89 नंबर का जो क्लॉज है पोस्टमैन बुक, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, इसी नोट पर इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है अंकित वीडियो का, धन्यवाद।